स्वागत करदा आपो एक और नया ब्लॉग में और आप अपना यूट्यूब चैनल दस चूल्हा ऑफिशियल में। और आज आप ते मैं लिया एक और खास जगह, सीधा ती जगह पर चलिए तो बताऊंगा क्या ची आज खास ब्लॉग। तो चला पहुंची मैं ती जगह पर जख मैं आज आप ते लियान वो ची तो दिखाने कोशिश करता इधर। वंत में डाव लिहोना यूँ मतलब कि घास आयूँ तो मैं यहाँ बटीन घास लिया और यो ची मेरा हथियार जैन मैं डाव काटन। तो थोड़ी देर में जन मैं डाव काटन लेकिन वैसे पहली जब यहाँ आयु छो तो थोड़ा बहुत और कुछ दिखाने कोशिश कर दो जब ये फोन घास ची। तो यह सामने पड़ ची हमारो गोरिल देवता मंदिर, तो वो एक दर्शन भी करे दिन आपके साथ में जब यहाँ कहीं आ गए छिन। तो देव देवता दर्शन करना भी बहुत जरूरी ची और ये तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड ची कि हर जगह देवी देवता वास ची। हर जगह आप ते कहीं भी जा की भी दिशा में जा देवी देवता देखना जरूर मिलता और साथ में बहुत बहुत मस्त नज़ारा भी देखना मिलता जन की आप ते अब दिखाने कोशिश कर दूँ मैं। ये ची हमारो मंदिर यानी हमारो गोरिल देवता मंदिर। तो यूची मतलब हमारे गोरिल देवता मंदिर और बैक कैमरा दिखाने की कोशिश कर दो और बेहतरीन ढंग से दिख लो। तो यही खासियत ची हमारी उत्तराखंड देवभूमि जन बोल दिन तो ये बात ची देवभूमि उत्तराखंड है कि कई भी दिशा में चल जाते देवी देवता वास जरूर होलो और हर जगह मंदिर होला देवी देवता जो छिन देवभूमि ची तो हर जगह देखना मिलता मंदिर। तो आज एक और जगह लिएगी मैं वो ब्लॉग देखी दिल खुश हो जलो। क्योंकि दूर धार रहना बावजूद भी आप ते पर देवी देवता दर्शन करना हमारे ब्लॉग द्वारा मिली जला। तो पहाड़ों में टिकाण भी हर एक बस होनी है कि काम ही और ये थी ज्यादा होंगे बहुत काम होंगे तो हर एक बस हो छो भी नहीं और रहना। और जो लोग यहाँ छिन तो भाई काम भी करने पड़ू आराम से बैठी थे और मुश्किल से जीवन यापन मोड़ तो मरू कि लेकिन और काम कर सबसे पहली बहुत जरूरी है कि काम जरूर करना पड़ू कि लेकिन पुंगड़ी पटी तो करने पड़ी भाई और नीर खान कन खींची। तो यह ची बात ता चुले आजकल क्यों होणु कि ब्यो बाद में होना तो बुआरी बुनी छिन कि क्या उन लिखो भाई मैं तो मन नहीं रहनी और घर में अब अगर सुन माया ना बात नी ना बोल दो लोड़ो कि नी लियाणो मैं तो बैठी से छिन बुनी कि फुट सड़े पहुँचे दी ओलू लोड़ो भी डर तो सारा दिन बुनो चल भाई पर जो तो मुड़ पैक करो चल दिखे जला बुए बाबू जब रोला तब रोला जिमिया रोला तिमिया रोला तब दिया खला कि लगी ते भी डर होनी ते भी मजबूरी थी तेन भी लियाने ची। तो क्या कर तब आजकल इन जमानो ची एक बुआरी घर बुननी कि लगी लोड़ा भी डन आछिन कि बुआरी फुर्स बड़े पहुँचे दी ओली बड़ी मुश्किल से तो ब्यो हुए अभी मैं दिक्कत तो होनी ची जंग ब्यो नहीं हुई तो दिक्कत होनी ची भले मेरे भी नहीं हुई हूँ पर मैं तो थ्यासू नहीं ब्योगी पर जो तो ब्योगी भी जही रहनी तो सिर्फ बुआरी देखी डरदा भी ज़्यादा छिन। तो ताँचू लिया बुआरी तो कहीं घर फूनी तो क्या कहन अब हमें फुट साड़ी फट साड़ी तो मैं मजाक कौन हूँ पर यहाँ कि मजाक भी क्या चाहिए कति जग होने भी ची मन सोनी आजकल छो छी मैं भी कि मतलब तब अरे ब्यो हूँ तब अरे बुना की यन हुएगी तन हुएगी पर आजकल छो छी ये चीज़ तो थोड़ा तुम लोग भी स्वस्थ वाली करा कि लगी तब आर तो तुम जल्दबाजी में बुनाओ ठीक ची भाई लोड़ी देखना भली ची ब्यो कना तीन दिन बाद से बुनी की भाई हुएगी चल घर पर जान छिन। तो तब अगर नी गुंजैश या कोई चीज़ यन ची कि नहीं लिगे सकता तो तब हूँ यू वो केस की फुट साड़ी वो ना कि लोड़ी तो चेणु भेड़ जानो और लोड़े नी लिगे सकूँ या कोई मजबूरी ची नी बोलते थे आवणु तो सुना बुनो तो तब हूँ यू वो केस की चल भाई वो फुट साड़ी जान मतलब बोलिए हर बात वो मतलब समझे जाना बुन के जानो आदमी। तो यू चीज़ ऊपर जरा गौर तुम भी करा ध्यान तुम भी दिया कि यू होणु कि नहीं होणु आजकल ये जरूर होणु अगर बोले कि भाई लोड़ो घर मुँची भाई तो कोई पहलता पर बेटी दौने नहीं
कोई दियोलो तो पता नहीं की कहे दियोलो, मैं भी नहीं ख्याल की कोई दियोलो वन तो फुट साड़ी मेर भी नहीं दिए क्यों पर मैं दिया खंड भी नहीं चाहू भगवान करे तो दिखने भी ना भाई साहब बात चो मैं दिए क्यों भी नहीं और मैं दिया खंड भी नहीं चाहू क्या कहते देखी कोई दिया खंड लाइक जगह वो तो दिया खा देखा भाई पत्थर बहुत मस्त लोग डांडी काठी बहुत मस्त जब भी हो तो खुद पे तो खुश हो जन दिल खुश हो जन श्याम पता नहीं क्या कंडी ची और इन बेहतरीन बुने हुई वो नहीं तो निंगावन होनी कंडे बुने लेकिन जब निंगाव टूटी तो एक बात लुकुना पर काम चलाना थे धागो बांध हुई है पर मतलब धोती बोल की पता नहीं की चीज हो चाहिए पर काम चलाना थे ठीक चीज भी एक चीज और दिखनी मैं या हम तुम तो भी दिखाने कोशिश कर दो कि क्या चीज है चीज ये ची पीपल उड़ाओ पीपल मतलब पीपल उड़ाओ चीज तो यो के ढंग से या हम हुई हूँ ये भी दिखाने कोशिश कर दो बैक कैमरन ये आम बटिन तैयार हुई हूँ मतलब ये एक जोड़ा यही डाव पर छिन्न यानी आम पहले तुण उड़ाओ छो तो यो भुई ढाई ये चिरान हुए तो यो पता नहीं कर्या साल बाद ये पर तैयार हुए मतलब ये पीपल उड़ाओ ये पर बटिन तैयार हुए हूँ यानी कि भुई जमीन में बटिन नीचे ये तुण अगे डाव पर हुई हूँ यो नजदीक बचे का बड़ो हो लोग तो क्या बड़ो छो नहीं यो और पहले कभी मन सुनी छो कि बोलता छा कि जब अनहुन यो को डावा पर मतलब दुई डावा रंध हो या तो आपस में यूं ब्यो रंध हो यूं बल पता नहीं ये घटना सची ची या बात सची छो नहीं मैं तो भी नहीं था क्या पता पर मन भी सुनी छो तो तब बुनू मैं चला ब्लॉग में बढ़िया रहा इधर और कुछ दिखाने कोशिश कर दो तो ये हम पहाड़ियों जनजीवन ची तो ये दिनचर्या तो होने ची भाई डावा बोटावा भी काटने छे अभी अंत छो नहीं बिना डावा बोटावा काटिया तारा हुए बोले घर फून गोर गाय सैतन सुधी नहीं होने घास भी लेन पड़ दो डावा बोटावा भी काटन पड़ता सब चीज़ कन पड़ दी चला बढ़िया रहा इधर या डाई काटन में ना यो ये बात खानी या चित्ती मले डाई तुम यहाँ ना बोले डावा काटू तो बेकार को यो पर फिर मो यार ये जाली तुम यहाँ बात नहीं फिर मो ही जाना दोबारा काट लेनी तो बेकार हो जाना तो भाई हम गोर बछर भी सैतने छिन पाऊ छिन तो डाव बटाओ भी जर जरा काटने पड़ रहा यहाँ तो छो नहीं मैं जोड़े भी काटू तो काटने पड़ रहा घास आप लोग जानते छिन ये चीज़ तो यो यू काटन में यो ये बात खेणो डाव काटा तो ये काट दिन में या बार ते बाद दूसरा डाव मुझे ते इधर दिखाने कोशिश कर दो कुछ दूसरों डाव ची और किंग किंग डाव ते मन तुम ते बेथिल की ची खेणो डाव ची तो ते मुझे ते तब इधर ब्लॉक कर दो अरे ये जो पार अंधेर हुआ है मतलब अंधेरी नगरी जन तो ये ची भ्यावगाट यानी बहुत कम लोग जानता बोला पर जो भी जानते बोलो हमारे नज़दीक आ गाँव का बोला सी जानता बोला भ्यावगाट या भी प्रसिद्ध जगह ची और बहुत दूर दूर आ भी जानता छी नहीं जगह थे तन बात नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ची है और सबसे ज़्यादा या फिर लिंगुड़ा होता लिंगुड़ो तो कोई पूछ नहीं था जब जा तब लिया पर यह नहीं कि यौन फोन चलिया तुम आजकल आजकल नहीं मिलने बस क्या हो सुन बाद होगा मैं सोना मैं ना भी बोल दलवा नहीं खाना पर को कोई तो खाने छिन क्या है ठीक या मूड़ी या खुए मंग जवा भी जान दे छिन कति लोग जान दा और जो दूर गांव का छिन से भी जान दा छिन जान की हमारा गुरुजी छाया और मथी पेंजी कांडे का खतिर जी से भी या खोनो बार बार गर्दा छा कि मंग जवा तो ये भी प्रसिद्ध जगह ची यानी कि भले यकबे साफ नहीं दिखणु
कभी अगर मौका मिलो तो जे दिखोल में मांग जाओ, ऐसे भी बहुत खास जगह ची और बहुत मज़ेदार जगह ची। और जो यो पलतिर टावर जन दिखो मतलब तो यो ची अमकोणा यानी थपल गाँव मानो थप गाँव तो अमकोणा हुए यो पार पार हिमालय दिखो और तो एक समणी ची पोखरी यानी तुम हिमालय पलतिर पल छोड़ना समझन एथर बुनवा यानी कैमरे तिर। तो चला अगलो डाव दिखाणो कोशिश कर दो दिखियो लो तो भाई तुम सुबह है ना अंधेरे अंधेरे चल बैक कैमरा दिखाने कोशिश कर दो। यु ची भाई सो खेणो डाव जो मन काट रही ची हम पौड़ू जन ची ना थोड़ा समझा दे बोला तुम लोग पौड़ू यू देख सकते यु ची सु डाव थोड़ा तनी लगणो कैमरा पर घाम लगणो तो क्लियर नहीं बोल दिखो पर यु ची अब यू काटन मैन ते बात लगौन मैंने भारी और तब जन में घर गौशालो दृश्य भी दिखोला कि हमार साई क्या छिन मतलब गौशाला में यहाँ बुनो तुम साई कति लोग नहीं समझण कोई गौठ बोल दो कोई साई बोल दो कोई गौशाला बोल दो पर ये बात समझी साई तो साई मूल्यन मत पड़ दे रहा तुम उतर भारी भी हुएगी मेरे त्यार और यू ची खेणो और ऐजमा छिन लाखड़ा दे रहा लाखड़ा भी जरूरी छिन वन भी आजकल ठंडोंगा दिन छिन तो लाखड़ा सबसे जरूरी ची किले की आग उग जगाना आजकल जरूरी ची और आग बहुत ज़्यादा जोग दी आजकल ठंडिया दिनों में तो ते कारण से लाखड़ा लियान भी जरूरी ची। तो अब धन मैंने यो तिमुलु अब ये तिमुलु धन ऐसमा और वे का बाद जन सीधा घर और ते का बाद दिखन तो मुते साई फुनो नज़ारा यानी गोरु बछरू बोल दे जो बिछिंदा फुन तो दिखाने भी कोशिश कर दे। युची हिसवो कांड यानी हिसवा ये पर भी फल आंदा गर्मियों में यानी मई जून में तो हिसवा भी बहुत बढ़िया चीज ची भले कांडू ची वो पुंगड़ू फोन होता तो बोलो नहीं पर इन ची अबर पे फल लगा था छिन खाण होता है कंदमूल फल तो खे सकता बहुत अच्छी चीज ची पहाड़ फोन कोई भी चीज़ यान ची कि खराब नहीं होनी कोई शरीर होते नुकसान नहीं दी। तो चला इधर चल दा ठीक वो अपार धार मच शिमला सो गाँव जखोना आजकल क्रिकेट मैच जान तो मैंने भी छोटा क्रिकेट खेलने पर खिलाड़ी पूरा नहीं छिन यानी खिलवाड़ी पूरे नहीं छिन तो कन के जान तो यान ची कि वे सको तो मैच दियो खंड चलिए जो कई दिन अगर जो लो तक हो भी आप ब्लॉग शूट करने की कोशिश करो यानी सोचे चमोई जिला में तो रुद्रप्रयाग बटिन सीधा आप तेली गोला चमोई जिला में जे दिन बिजोला तो पहुंची मैं साई मो वनित ब्लॉग में और कुछ भी छो पर ब्लॉग होनो बहुत लमो तो यन कर दा ये ब्लॉग यखि मु समाप्त कर दा और मिलदा अगला ब्लॉग में और सो ब्लॉग भी होलो और खास।